आप सभी लोगों से नम्र निवेदन है कि आप जहाँ पर भी बैठे हो, सोफा, बेड, कमरोड़, कहीं पर भी बैठे हो, आप कृपया करके अपने मन को शांत कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग आने वाले हैं जो आपका मन घुमा देने वाले हैं। तो आप यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी भाई ये लोगों का कॉपी पेस्ट करने का भी अलग स्टाइल है। इन लोगों को कॉपी पेस्ट करना होगा ना तो भी दिमाग बिना के जरा खाली कॉपी पेस्ट। अरे पढ़ तो ले अंदर लिखा क्या है। तो आओ यार हमारा पहला वीडियो लगाया जाए जो भाई लॉजिक बिना का है। तो भाई देखो मैं झगड़ा नहीं करने वाला हूँ, नेम क्यों बताऊँ, एज क्यों बताऊँ, स्टडीज क्यों बताऊँ, हॉबीज क्यों बताऊँ, FB क्यों बताऊँ, व्हाट्सएप क्यों बताऊँ। और विश्व सदस्य तू लड़का है ना? नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? यही की शायद ये लोगों में दिमाग बिल्कुल नहीं है। यानी सब चीज क्यों बताऊं और 17 से लिखा भाई क्यों, यानी और उसे क्या मोमबत्ती जलाएगा उस दिन? यानी कुछ लॉजिक नहीं है। नेम, एज, स्टडीज, हॉबीज कोई नहीं, खाली बर्थडे बता दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी अब आगे वाला आने वाला है ना वो थोड़ा दिमाग से पर है मेरे। तो अगर आपको समझ आता है ना तो आप मुझे कॉमेंट में बताओ यार। नो एस ला ड्यूरेकॉन डे ला वीडियो। अरे कहना क्या चाहते हो? यही कि सर मेरे अंदर दिमाग कम है थोड़ा भाई, मेरे को इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, ठीक है गुजराती आती है, हिंदी आती है, लेकिन मेरे को जो भाषा नहीं आती वो लोगों ने लिख दी सर। ओके मैक्स नेपाली ब्लू टिक, ठीक है। हे आई एम मैक्स नेपाली बिकॉज ऑफ पोन आई वॉज बॉर्न। आई हैव नो एटी। आप मुझे कमेंट बताओ कि क्या लिखा है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, सॉरी। कंट्रोल योर BP बिफोर पचिंग माई DP। हेटर गन्ना हेट मी देयर GF वन्ना डेट मी। भाई क्या लाइन लिखी है भाई, डिपेंड हो गया मेरा। यानी इलॉजिकल बातें तो कोई मैक्स नेपाली से सीखे भाई ने दो लाइन ऐसी लिखी जो मैं पढ़ नहीं पाया, दूसरी और चौथी। हाँ भाई आपको कैसी दो लाइन लगी? आप लिखो ना हेटर कौन ना हेट मी देयर GF वन्ना डेट मी। भाई लड़की पटाना कोई इनसे सीखो भाई, ऐसी लड़की बटवा देंगे तुम्हारी, यूं चुटकी बज नहीं रही। बजाते बजाते खैर लगाया जाए तीसरा फोटो। सिंगल 100%, हम 101% हैं। कौन कौन सिंगल नीचे मुझे बताओ। कपड़ा ?? अल्लू ब्रांडेड CCD 15 दिसंबर। लव हेगड़े पूजा मॉम फ्रेंड्स रोमी लाइफ आई एम नॉट रिच। बिल्कुल चुप। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं चुप हो ही रहा था लेकिन भाई बोल दिया। ये भाई कुछ भी लिखा, आई एम नॉट रिच बट आई एम लॉयल। दिमाग आओ घुटने में भाई इन सबका, भाई क्या होने वाला है भाई, छोड़ दो। एयरटेल 4G की स्पीड भी मेरे आगे फीकी है, एक बार पब्लिक ट्राई करके देख, सीधा दिल में उतर जाऊंगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है भाई, यानी सीधा ही दिल में उतर जाएगा भाई। क्या ही शायरी उठाई है भाई, बहुत टट्टी भाई। भाई तेरे अच्छी शायरी ना ये गली का कोई कर देता है भाई, मैं क्यों, मैं थोड़ी सुनने जाता हूँ शायरी। कैसी बात कर रहा है तू यार, यानी भाई कुछ भी बोलता है, दिल से उतर जाऊँगा एयरटेल 4G की स्पीड से आगे, ये तेरे से आगे वो तेरे से पीछे। अरे यार तो तेरा काम कर ले भाई कोई। देखो ये लोग को पढ़ाई पढ़ाई करनी होती है ना, ये लोग सीधा इंस्टा पे आके लड़की को लिखते हो हाय, ऐसे ऐसे हाय लिख देते टप टप टप, यानी आर पार देखा नहीं हाय। खैर भाई अब आने वाला है वो बाप है सबका, कोई धक्का वक्की नहीं करेगा। देखो केक मर्डर 17 जुलाई मदर ऑफ 2, समझे ना? समझ में आया क्या? वर्जिन आई लव माय हस्बैंड प्राउड टू बी लेस्बियन। तू क्या बोल रही है? सातवीं वेल डन वेल वेल डन। I got broads in the land, chasing the lean in the family, credit cards in the scams, hitting the licks in the bank, legacies. देखो भाई अब मैं समझ थोड़ा बहुत पाया हूँ, तो अगर आप समझे ना तो मुझे समझा दो प्लीज़। यहाँ देखो क्या लिखा है, मदर ऑफ टू, फिर लिखा है वर्जिन, आई लव माय हस्बैंड, फिर लिखा है प्राउड टू बी लेस्बियन। यानी मैं क्या भाई, यानी एक सेकंड सोचने दो मेरे को। मदर ऑफ टू है फिर वर्जिन है, ठीक है, यानी अब मदर ऑफ टू है तो वर्जिन कैसे है, और उसको हस्बैंड से भी प्यार है तो एक सेकंड नहीं उसको अगर उसके हस्बैंड से प्यार है तो वो लेस्बियन कैसे है, और केक मर्डर तो ठीक है ओके एक सेकंड नहीं, वर्जिन और लेस्बियन, मदर ऑफ टू और वर्जिन,
एक्सेप्ट नहीं तो उसको मैंने वर्जिन उसको उसको छोड़ो, कोई कोई कुछ कुछ नहीं करना। मेरा दिमाग पूरा हिल चुका था इतने कैलकुलेशन करने में, तो मैंने वीडियो को लगाया साइड में, भाई लगाया जाए अगला फोटो। आए हो तो फॉलो कर लो, पहले ही बता दो गर्ल्स नॉट मेल्ट एस ऑन डैडी क्रश, कुट्टम मुंडा कुट क्यूट मुंडा कलर एटीट्यूड एम बिकम अर्न वेरी मच एम बिकम अर्न वेरी मच मनी। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता ये लोगों के बारे में, ये लोगों को देखो भाई पढ़ना लिखना है नहीं, खाली नीचे आना है कुछ भी इंस्टाग्राम पर लिखना है और चले जाना है। ये लोगों को भाई देखो ये लकीस्ट ग्रैंड डॉटर डॉटर एंड सिस्टर, ठीक है अब लाइन पढ़ता हूँ। फर्स्ट वाह 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 ऑन 18 जून आउटफिट लवर। अब ये बीच में वाह 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 का मतलब क्या है दीदी, आप ज़रा समझाएंगे मुझे? यानी आप लिखते थे केक मर्डर बॉर्न ऑन फर्स्ट आँख मारी नर्स को, मैं आँख नहीं खोल पाया, जो भी भाई टट्टी लिख सकते हो लिख दो भाई, लेकिन ये क्या है वाह 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 वाह। अरे भाई ये सब अब क्या ही कर सकते हैं। अब आने वाली है हमारी रानू मंडल, उनका इंस्टाग्राम बायो नहीं, किसी ने उनका फोटो लगाया है और नीचे भाई क्या ही गजब लिखा है ना। तो आ गया रानू मंडल का आ वाला साउंड के बिना ही हम लगाएंगे उनका फोटो। आओ ही मैं स्की परी क्यूट गर्ल आई हेट मेकअप नेक्स्ट मिस वर्ल्ड 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 नहीं वर्ल्ड हेट मेक आई हेट मेकअप वाली लड़की आई एम सैली ब्रैटी और मीम अर मेकअप जिसको पसंद नहीं है सेलिब्रिटी है और मीमर है यानी सब है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। आप कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? यानी ये लोगों को भाई कोई काम धंधा कुछ नहीं भाई, आई हेट मेकअप, अरे कोई तेरा पढ़ के कैसे खुश हो सकता है यार, तुम लॉजिक तो लगाओ, कुछ भी लिख रहे हो भाई, ये मेरा माता यार भाई, ये लोग रोस्ट कैसे कर सकता है कोई भाई, खुद इंसान टेंशन में आ जाएगा इनको रोस्ट करके। खैर छोड़ो आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।